Hello dear friends and students, I welcome you to video sessions on Indian Evidence Act. आज के video session में हम एक बहुत important topic को discuss करेंगे and that topic is relevancy of facts. The provisions are mentioned in chapter number 2 from section number 5 to section number 55. So you can make a group of these sections that from which section to which section which particular topic is discussed. This will help you to recall the provisions when you are appearing for mains or preliminary examination. As in this chapter, we are going to study about the relevancy of facts. What is the meaning of relevant? Pura Evidence Act, relevancy or admissibility par based hai. Agar ye dono terms aapko samajh mein nahi aayi, to Evidence Act aap totality mein nahi samajh paoge. Koi na koi defect aapke understanding mein rahega hi. तो सबसे पहले मैं रेलेवेंसी को डिस्कस करता हूं. हालांकि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने रेलेवेंसी को पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन क्योंकि हम अब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स सेक्शन नंबर 5 से सेक्शन नंबर 55 जहां तक एनुमरेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे फ्यूचर के वीडियोस में, तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं रेलेवेंट टॉपिक को डिस्कस जरूर करूं. रेलेवेंट का मतलब है द थिंग्स व्हिच हैव लॉजिकल प्रोबेटिव्स. लॉजिकल प्रोबेटिव का मतलब होता है वो चीजें जिनकी कोई तार्किक प्रमाण है, यानी कि जब आप किसी चीज को प्रूव करते हो उसके लिए कोई रीजन है, कोई लॉजिक है उसके पीछे. जब भी आप किसी बात को प्रूव करना चाहते हैं तो आप इलॉजिकल चीजों को तो प्रूव नहीं करेंगे ना, आप उन्हीं चीजों को प्रूव करेंगे, उन्हीं फैक्ट्स को प्रूव करेंगे जिनका किसी ट्रांजेक्शन के साथ कोई लॉजिकल कनेक्शन है, राइट. तो यही रेलेवेंसी कहती है, द थिंग्स विच हैव अ लॉजिकल प्रोबेटिव्स दीज विल बी कंसिडर्ड टू बी रेलेवेंट. कभी कभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछते हैं आपसे कि रेलेवेंसी कौन से सेक्शन से लेकर कौन से सेक्शन तक मेंशन की गई है, तो सेक्शन नंबर 5 से लेकर सेक्शन नंबर 55 तक रेलेवेंसी के प्रोविजंस दिए हुए हैं. इसी तरह से एडमिसिबिलिटी के लिए सेक्शन नंबर 56 ऑनवर्ड्स जितने भी प्रोविजंस दिए हैं वो एडमिसिबिलिटी को लेकर कनेक्ट करते हैं, यानी कि वो एडमिसिबिलिटी ऑफ एनी फैक्ट को शो करते हैं. बहुत सारे एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एग्जामिनेशंस, बहुत सारे लॉयर्स को अक्सर ही देखा गया है वो रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उन दोनों को एक जैसा ही समझते हैं. रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी दोनों अलग अलग बातें हैं. एडमिसिबिलिटी जो होती है वो लॉजिक्स पर बेस्ड नहीं होती, बल्कि वो लॉ और स्ट्रिक्ट रूल्स पर मेंशनड होती है, यानी कि सर्टेन प्रोविजंस पर बेस्ड है. अगर हमारा लॉ या हमारा प्रोविजन ये कहता है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट एडमिसिबल है या इसके कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट इस एविडेंस को एडमिट करेगी, तो कोर्ट सिर्फ तभी उन्हीं सिनेरियोस में उस एविडेंस को एडमिट करेगी, अदरवाइज उसको एडमिट नहीं करेगी. रेलेवेंसी के लिए हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि जो सेक्शन नंबर 5 से लेकर सेक्शन नंबर 55 तक जो प्रोविजंस दिए हैं क्या हमारी उस फैक्ट्स की रेलेवेंसी उन प्रेस्क्राइब प्रोविजंस में फॉल करती है या नहीं करती है. अगर उनका कनेक्शन उन प्रोविजंस प्रेस्क्राइब प्रोविजंस जो सेक्शन नंबर 5 से लेकर सेक्शन नंबर 55 तक दिए हैं अगर उनमें कनेक्ट करती है तो ही वो रेलेवेंट है, अदरवाइज वो रेलेवेंट नहीं है. तो अगर मैं एडमिसिबिलिटी के बारे में बात करूं तो एडमिसिबिलिटी क्या होता है? एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है वो मेथड जिससे आप किसी भी रेलेवेंट फैक्ट्स को प्रूव करते हो. सो इट इज अ मेथड ऑफ प्रूविंग द रेलेवेंट फैक्ट्स. यू गॉट माय पॉइंट? तो ये एक छोटा सा डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस मैंने आपको दोनों में बताया है. अब कुछ और पॉइंट्स भी चेक कर लेते हैं जिस पर रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी एक्चुअल में दोनों आपस में डिफरेंशिएट करती हैं, तो यानी कि डिफरेंस बिटवीन एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंसी को चेक करते हैं. दोनों की डिफरेंस को चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं. सबसे पहले मैं एडमिसिबिलिटी को मेंशन करूंगा और उसके बाद रेलेवेंसी को. अभी इसी वीडियो सेशन में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि जो एडमिसिबिलिटीज होती हैं या जो भी फैक्ट आप कहते हैं कि यार ये एविडेंस रेलेवेंट है या एडमिसिबल है या नहीं, तो
तो एडमिसिबिलिटी जो होती है ये लॉजिक्स पर बेस नहीं होती, बल्कि ये स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ पर बेस्ड होती है. वेयर इज द रेलेवेंसी इज बेस्ड ऑन लॉजिक्स, वो रीजंस पर बेस्ड होता है, राइट. दूसरा पॉइंट जो दोनों को डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि दोनों के जो सेक्शंस हैं वो अलग अलग हैं. एडमिसिबिलिटी सेक्शन नंबर 56 ऑनवर्ड्स दिया हुआ है, और जो रेलेवेंसी है वो सेक्शन नंबर 5 से लेकर 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन किया हुआ है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है वो ये पूछते हैं कि जितने भी फैक्ट्स अगर एडमिसिबल हैं तो क्या वो रेलेवेंट भी होंगे. आप लोग सोचिए कि जितने भी फैक्ट्स अगर एडमिसिबल हैं तो क्या वो रेलेवेंट भी हों, क्या ये जरूरी है. तो जितने भी फैक्ट्स अगर एडमिसिबल हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो रेलेवेंट भी हों, क्योंकि एडमिसिबिलिटी के लिए और रेलेवेंसी के लिए दोनों के लिए पोर्शन एविडेंस एक्ट में अलग अलग दिया हुआ है. ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं जो कि एडमिसिबल हैं लेकिन हमारे पास सेक्शन नंबर 5 से लेकर 55 तक वो स्पेशली एनुमरेट नहीं है, यानी उसके लिए सर्टेन रूल बनाए गए हैं कि एडमिसिबल होगा लेकिन उसके लिए कोई अलग से लॉजिकल रीजन नहीं दिया हुआ. 5 से 55 तक फॉल नहीं कर रहे हैं. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जितने भी फैक्ट्स रेलेवेंट हैं क्या वो जरूरी है कि वो एडमिसिबल भी हों. तो इसमें भी ये लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है, यहां पर भी वही सिचुएशन है. द फैक्ट्स विच आर रेलेवेंट नॉट नेसेसरली बी एडमिसिबल. तो जितने भी फैक्ट्स रेलेवेंट हैं ये जरूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल भी हो. तो दोनों में लगभग अगर आप फ्यूचर के लिए आप उनको याद रखना चाहते हैं तो लॉजिक लगभग सेम सा ही है कि जो एडमिसिबल है वो जरूरी नहीं है कि वो रेलेवेंट भी हो, और जो रेलेवेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल भी हो. तो ये आप फ्यूचर के लिए याद रखिए क्योंकि ये आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है. इसके अलावा एक और पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है हमारे पास कि जो एडमिसिबिलिटी होती है वो एक सर्टेन प्रोसीजर, एक सर्टेन मॉड बताता है कि हमें रेलेवेंट एविडेंस को प्रूव कैसे करना है. मतलब हमारे पास कुछ सर्टेन सेट ऑफ फैक्ट्स हैं, उसको अगर हम एज एन एविडेंस लाना चाहते हैं तो कैसे लाएं, वो एडमिसिबल होगी कि नहीं होगी, वो उसके लिए मॉड बताता है. एडमिसिबिलिटी इज अ मॉड ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ अ रेलेवेंट एविडेंस. लेकिन जो रूल ऑफ रेलेवेंसी है वो ये इंडिकेट करती है कि अगर हम इस फैक्ट को अलाउ कर दें प्रूव करने के लिए तो उसके बाद वो एडमिसिबल हो जाएगा. यू गॉट माय पॉइंट. तो ये कुछ मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बताए हैं, दीज आर द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी. अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो क्वेश्चन ऑफ रेलेवेंसी होती है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है या क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, और अगर आप रेलेवेंसी के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेज क्या है. रेलेवेंसी को आप कभी भी किसी भी स्टेज पर रेज कर सकते हैं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं होती है. रेलेवेंसी कैन बी रेज्ड एट एनी स्टेज एंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. कोई बात रेलेवेंट है या नहीं ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है. यू गॉट माय पॉइंट. अभी मैंने आपसे कहा कि कुछ फैक्ट्स रेलेवेंट हो सकते हैं लेकिन वो एडमिसिबल नहीं होंगे. आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई फैक्ट रेलेवेंट है तभी तो एडमिसिबल होगा, अगर वो रेलेवेंट ही नहीं है तो उसकी एडमिसिबिलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. तो ठीक है, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, और हालांकि ये एक साइटेशन में ही सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है तो इस साइटेशन का ही रेफरेंस लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. केस का नाम आप नोट कर लीजिए, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1998, सुप्रीम कोर्ट 1850. सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसने ये कहा कि हालांकि रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी दोनों वर्ड्स को हम एविडेंस एक्ट में यूज़ करते हैं और अक्सर लोग उसको एक जैसा समझ लेते हैं, उनको सिनोनिम समझ लेते हैं, वो सोचते हैं कि वो एक ही वर्ड है, दोनों का एक ही मीनिंग है, लेकिन इन दोनों के मायने अलग हैं, उनका जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग है.
इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. से फॉर एग्जाम्पल इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 122 को ही ले लीजिए. ये कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज के बारे में बात करता है और वो ये कहते हैं कि दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो रेलेवेंट तो हो सकता है, लेकिन अगर आप एक स्पाउस को कंपेल कर रहे हैं और उसकी कम्युनिकेशन को आप कोर्ट में प्रूव करना चाहते हैं तो वो एडमिट नहीं की जाएगी, वो एडमिसिबल नहीं है. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कोई फैक्ट रेलेवेंट तो हो सकता है लेकिन वो एडमिसिबल नहीं होगा. तो आपके एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए अगर मैं कोई फ्यूचर रेफरेंस आपको दूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 122 से लेकर सेक्शन नंबर 129 तक जितने भी प्रिविलेज कम्युनिकेशंस होते हैं ये सब के सब रेलेवेंट तो होते हैं, लेकिन इनमें जो भी बातें कम्युनिकेट की जाती हैं उनको आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि वो इनएडमिसिबल होती हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही कहा राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि हो सकता है सर्टेन फैक्ट्स रेलेवेंट तो हों लेकिन वो एडमिसिबल नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है. इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में भी अक्सर आते हैं और हो सकता है एग्जामिनर आपको कोई एक स्टेटमेंट दे दे कि अ फैक्ट मे बी रेलेवेंट बट इट मे नॉट बी एडमिसिबल क्रिटिकली एग्जामिन. तो आपको इस तरह के मैटर्स को हमेशा केस लॉज के हेल्प से ही सॉल्व करना चाहिए. ओके, रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी को स्टडी करने के बाद सेक्शन नंबर 5 को स्टडी करते हैं और ये चेक करते हैं कि अगर हमें कोई भी एविडेंस लीड करनी है तो हम सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स पर ही दे सकते हैं. कोई भी ऐसा फैक्ट्स जो इररेलेवेंट है उनके ऊपर एविडेंस लीड नहीं की जा सकती. तो चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं सेक्शन नंबर 5. मैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 5 में जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी है उसको रीड करूंगा ताकि कम से कम आपको ये मालूम चले कि लॉ में क्या लिखा है. उसकी एक्सप्लेनेशन को हम बाद में डिस्कस करें. सेक्शन नंबर 5 सेज एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट एंड इश्यू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हिडन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट एंड ऑफ नो अदर. क्या मतलब है इसका? मतलब बिल्कुल सिंपल है. वो ये कहते हैं कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी सूट है, कोई भी केस है, कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अब उसमें आप एविडेंस देना चाहते हैं तो एविडेंस आप कैसे देंगे? आप कहेंगे सर मेरे पास तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है और मैं तो अपनी सारी बात कहना चाहता हूँ. लॉ ये कहता है कि कोर्ट का टाइम बहुत प्रेशियस है और कोर्ट सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगी जिनका फैक्ट्स के साथ कोई रेलेवेंसी है. अगर आप कोई ऐसी बात बोलना चाहते हैं अपने केस को प्रूव करने के लिए, से फॉर एग्जांपल अगर प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन अपने केस को प्रूव करने के लिए सर्टेन फैक्ट्स को एलेज करेगा. डिफेंस क्या करेगा? डिफेंस उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए अपने साइड से कोई एविडेंस लीड करेगा. तो नेचुरली आप किसी भी बात को, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को, किसी भी फैक्ट को अगर आप प्रूव या डिसप्रूव करना चाहते हैं, आप उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते हैं, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते हैं, तो जो भी एविडेंस आप देना चाहते हैं उनका उन ट्रांजेक्शन्स के साथ कोई नेक्सेस, कोई कनेक्शन, कोई रेलेवेंसी होना चाहिए. आप सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर जो कि रेलेवेंट हैं उन्हीं पर एविडेंस लीड कर सकते हैं और इनके अलावा किसी और, क्योंकि लास्ट में उन्होंने कहा है एंड ऑफ नो अदर, यानी कि सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो रेलेवेंट डिक्लेयर किए गए हैं सिर्फ आप उन्हीं पर एविडेंस लीड कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी और पॉइंट के ऊपर एविडेंस लीड नहीं कर सकते. तो ये तो कहता है बेयर एक्ट, राइट. इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं वो क्या कह रहा है. एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है. एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ये कहा है दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर. कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है. वो कहते हैं कि अगर सिविल प्रोसीजर में किसी भी प्रोविजन में ये लिखा है कि आप इन पॉइंट्स के ऊपर एविडेंस लीड नहीं कर सकते तो सेक्शन नंबर 5 आपको ऑथराइज नहीं करता कि आप उन पॉइंट्स के ऊपर एविडेंस लीड करो. यानी कि अगर सीपीसी में किसी पॉइंट को किसी पर्टिकुलर वे में प्रूव करने के लिए बार है
तो सेक्शन नंबर 5 उस पर्सन को ऑथराइज नहीं करता कि वो उन पॉइंट्स पर एविडेंस लीड करे। बेरेक में ही एक इलस्ट्रेशन दिया है जो सेक्शन नंबर 5 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि बेसिकली हमें इसको यूज कैसे करना है। सेक्शन नंबर 5 में जो एविडेंस लीड करनी होती है वो कैसे करनी होती है और हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को चेक कैसे करते हैं। एक छोटा सा उन्होंने फैक्ट दिया है यहां पर, एंड व्हाट दे आर सेइंग हियर इज ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, यानी कि बी के मर्डर का ए का कोई ट्रायल चल रहा है। किस बात के लिए? बाय बीटिंग हिम विद क्लब, यानी कि उसने उसे किसी लाठी से मारा, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ, और ये जो लाठी से उसने वार की है उसके ऊपर। तो बेरेक में ये एग्जाम्पल के लिए कुछ पॉइंट्स हमें दिए हैं। अब उनका ट्रायल चला, जब ट्रायल चला तो कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए। अब हमको चेक करने हैं कि ये रेलेवेंट है कि नहीं। उसने मारने के लिए उस क्लब का यूज किया था, क्या ये बात रेलेवेंट है? बताइए, बिल्कुल रेलेवेंट है भाई। जब हम ये कह रहे हैं उसने लाठी से मारा और फैक्ट्स में ये बात आ रही है, इस बात की एविडेंस लीड की जा रही है। मान लीजिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है और वो कोर्ट में लाकर एक वेपन ऑफ ऑफेंस जो कि सील्ड है उसे ओपन करता है और ये एविडेंस लीड की जाती है कि इस वेपन से मारा गया, तो नेचुरली रेलेवेंट है। ओके, दूसरी बात, इज कॉजिंग डेथ बाय सच बीटिंग। अब सवाल ये उठती है कि उसके बॉडी पर जो इंजरीज आई हैं क्या इसी वेपन से आई हैं, क्या इसी क्लब की बीटिंग से ही वो मरा है? ये रेलेवेंट फैक्ट है भाई। अच्छा, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल आप ये अज्यूम कर लो कि ए ने बी को मारा और उसके बाद बी वहां से चला गया, और जाने के बाद वो रास्ते में जब जा रहा था और उसकी कहीं ट्रक से कोई एक्सीडेंट हो गया और ट्रक से एक्सीडेंट से वो मर गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सपोज ये आता है कि उसकी डेथ जो है वो एक्सीडेंट से हुई है, बीटिंग से उसकी डेथ नहीं हुई, तो इस पॉइंट पर यहां पर यह बात रेलेवेंट हो सकती है, क्योंकि डिफेंस ये प्रूव करेगा इसकी नॉन एग्जिस्टेंस को कि लाठी डंडे से नहीं मरा, डंडे से नहीं मरा, क्लब से नहीं मरा। तो बेसिकली हमको चेक क्या करना होता है? हमको चेक ये करना होता है कि किसी भी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए अगर हम कोई एविडेंस लीड कर रहे हैं, या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस लीड कर रहे हैं, क्या उससे वो बात प्रूव या डिसप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो कई बार ये कहते हैं कि सर एक्सीडेंट तो यहां पर रेलेवेंट नहीं है, प्रोसिक्यूशन के लिए ये रेलेवेंट है कि उसने डंडे से उसकी डेथ कॉज की, बी की डेथ डंडे से की, लेकिन डिफेंस का ये वर्जन उस फैक्ट की नो एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए रेलेवेंट है कि भाई उसकी डेथ तो एक्सीडेंट से हुई। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं ना? तो यहां पर जो इलस्ट्रेशन में पोर्शन दिया है, सिर्फ मैं अभी उसी को टच करता हूं कि उसने क्या उसकी बीटिंग से उसकी डेथ हुई है, हाँ ये बात रेलेवेंट है, यहां तक ये रेलेवेंट है। आगे वो कहते हैं एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ। भाई मर्डर के केस में आप सभी लोग जानते हो दो चीजें असेंशियल होती हैं, नॉलेज या इंटेंशन। तो यहां पर अगर उसकी इंटेंशन है और क्योंकि हम मर्डर के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट इज रेलेवेंट। यू गॉट माय पॉइंट? तो अगर आप किसी भी फैक्ट्स को चेक कर रहे हैं कि उसमें हम एविडेंस लीड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप स्ट्रेट अवे सबसे पहले ये चेक कर लो कि जो भी बात आप बोल रहे हो, जो भी एविडेंस लेकर आ रहे हो, उसका उस ट्रांजेक्शन उस फैक्ट के साथ कोई नेक्सेस है, कोई कनेक्शन है, कोई रेलेवेंसी है या नहीं। अब आप कहेंगे सर रेलेवेंसी क्या होती है, हमें वही तो नहीं समझ में आता। आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली सेक्शन नंबर 5 से लेकर सेक्शन नंबर 55 तक जितने भी सेक्शंस दिए हुए हैं वो आपको नॉलेज में होने चाहिए। उनको चेक करो कि उनके अंदर कहीं पर कोई मामला फॉल कर रहा है कि नहीं। जिस तरह से एविडेंस एक्ट में उन्होंने प्रोवाइड किया है कि आप इसे कनेक्ट करो, जैसे यहां पर उन्होंने कहा कि आप रेलेवेंट फैक्ट में दे सकते हो, तो ठीक है, अब आप सेक्शन नंबर 6 से लेकर सेक्शन नंबर 55 तक चेक करो क्या वो उनकी रेलेवेंसी में आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो ठीक है, आप एविडेंस लीड कर दो, अदरवाइज आप एविडेंस लीड नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट सेक्शन नंबर 5 इन डिटेल। वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ द फैक्ट्स। इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स कैन ज्वाइन माई लाइव ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम्स ऑल्सो, एंड इन दोज क्लासरूम्स द स्टूडेंट कैन आस्क द क्वेरीज ऑल्सो वेन द सेशन इज गोइंग ऑन।
I hope you would have enjoyed the video session, you would have understood the lecture fully. In case you like the video, please like, share and subscribe this video. So we'll meet you in future with further video sessions on Evidence Act. Keep on watching my other video sessions on different subjects. Thank you so much for watching.